सो गाइज भीम ऐप से 150, 600 इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इसका कैशबैक ले लिया है और कुछ लोग को अभी भी इसका कैशबैक नहीं मिला है। बहुत ट्राई करने पर भी कैशबैक नहीं मिला है। सो हमने यहाँ से पेमेंट किया तो हमारे लिए 1% का जो हमने फ्यूल में ट्राई किया था तो यहाँ पे 150 का कैशबैक मिल गया है। इसका प्रूफ देखिए पहले तो हमने यहाँ से पहले 500 का ट्राई किया, उसमें 5 रुपीज़ इंस्टेंट कैशबैक मिल गया। फिर हमने उसमें 2000 का ट्राई किया तो उसमें भी 20 रुपीज़ मिल गया। तो फिर हमने 12,500 का फिर से यहाँ से पेमेंट किया तो 125 रुपया वहाँ से 125 का कैशबैक मिल गया। तो यहाँ पे 125 इस तरह से यहाँ पे इसका आ गया है, हमारे बैंक अकाउंट में मिल गया है। सो इसमें टोटल 150 का कैशबैक मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे फ्यूल में 1% का कैशबैक मिलता है तो 15,000 का पेमेंट करना होता है। सो हमने पूरा 15,000 का यहाँ से पेमेंट किया तो 150 रुपीज़ यहाँ से कैशबैक मिल गया है। सो इसके पहले भी हमने फूड वाले में भी 150 का कैशबैक ले लिया और UPI रुपये क्रेडिट कार्ड में जो 600 का कैशबैक है वो भी हमने ले चुके हैं। तो इसमें कैशबैक पाने के लिए आपको पहले यहाँ पे भीम ऐप में जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको ऐड करना है या फिर आपका UPI रुपये क्रेडिट कार्ड है उसको पहले भीम ऐप में ऐड करना है और ऐड करने के बाद में उसी बैंक अकाउंट से आपको या फिर उसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होता है तभी जाके कैशबैक मिल जाता है। सो अगर आपने गूगल पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया है और उसमें पहले फूड वाले में ट्राई किया तो उसमें आपका कैशबैक मिल गया है तो फिर उधर से कैटेगरी चेंज करना होता है, या फिर आपने अभी तक गूगल पे बिजनेस अकाउंट को क्रिएट नहीं किया तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से गूगल पे बिजनेस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको वहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो उसमें फिल करना है। उसी नंबर पे OTP आता है, वो OTP फिल करने के बाद में अपना पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड अपलोड करना होता है। वो सब प्रोसेस करने के बाद में फिर जब आप इसमें पेमेंट करते हैं तो उसमें पेमेंट रिसीव करने के लिए कौन सा भी एक बैंक अकाउंट आपको उसमें ऐड करना है। वो सब पूरा करने के बाद में आपको बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सो अगर आपने अभी तक फूड वाला नहीं लिया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपके लिए ऑफर है तो यहाँ पे फूड एंड रेस्टोरेंट वाला में क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार अकाउंट क्रिएट करके बिजनेस अपना यहाँ से सेट कर रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर में आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप इसमें अपना बिजनेस कैटेगरी चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम लगता है। आप किस में करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे फूड वाले में आपका मिल गया है, या फिर आपको फ्यूल वाले में चाहिए तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड फ्यूल है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे पेट्रोल पम्प में सिलेक्ट करना है, या फिर आपको ट्रैवल में चाहिए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से टैक्सी कैब एंड रिक्शा पर क्लिक कर देना है और जिसमें भी आपको अकाउंट चाहिए वो सब सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना। अगर आपका बिजनेस अकाउंट एक बार एक्टिवेट होने के बाद में कैटेगरी चेंज करता है तो उसके लिए फिर से आपको एक्टिवेट होने के लिए 3-4 दिन का टाइम लगता है। सो इस तरह से जिसमें भी आपको चाहिए वो इधर से सेलेक्ट करना है। इसको अगर आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा आपका जो भी आसपास का एड्रेस है उसका फिल करने का ऑप्शन आता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम में पूरा फिल करके प्रोसेस कर देना। अगर आप बार बार बिजनेस कैटेगरी चेंज करते हैं तो इस तरह से आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। बस इतना ही करना है आपको, वीडियो कॉल से वेरीफाई नहीं करना है। और इतना कुछ करने के बाद में तो आपको फिर आपका जो QR कोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो QR कोड होता है उसको आपको इधर से एक स्क्रीन शॉट लेना है, इधर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, या फिर आपको दूसरा फ़ोन से इसको फ़ोटो लेना है। क्योंकि जब इधर से स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड करते हैं तो उसमें से आपका गैलरी से पेमेंट करते हैं तो आपको ओनली 2000 का लिमिट होता है। अगर आप दूसरा फ़ोन से इसको फ़ोटो लेंगे तो जब पेमेंट करने के टाइम में दूसरा फ़ोन में आपको लाइव स्कैन करके दूसरा फ़ोन में स्कैन कर दे तो आपको 2000 से ज़्यादा का लिमिट पेमेंट करने के लिए मिल जाता है। इस तरह से आपको इसमें 1x1 चेक करके इसका कैशबैक लेना है। अगर आपने पहले फूड वाला में ले लिया तो अभी आप इसका कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो उसको आपको फिर से 3-4 दिन के बाद में आके फिर से इधर से QR कोड को जो ये नया वाला है इसको आपको फ़ोटो लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट
लेना है। ऐसा नहीं कि जो पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसी को फिर पेमेंट करेंगे तो उसमें नहीं होता है। सो आपको न्यू वाला को यहाँ से डाउनलोड करना है, तभी जाके आपका नया वाला एक्टिवेट होता है तो उसमें कैशबैक मिलता है। सो आप जिसमें भी चेंज करता है तो उसको 3-4 दिन के बाद में फिर से यहाँ से न्यू वाला लेके उसी में पेमेंट करके ट्राई करना है। तो ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए कैशबैक मिल जाता है। QR कोड का फोटो या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको भीम ऐप में चले जाना है। भीम ऐप में आने के बाद में पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे स्कैन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और जो फोटो आपने उधर से लिया था दूसरा फ़ोन में आपने फ़ोटो लिया उसमें स्कैन करना चाहता है तो इधर से ऐसा करके लाइव स्कैन करना है, या फिर आपने जो फ़ोन में गैलरी में आपने सेव किया था उसको इधर अपलोड करना चाहता है तो इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में उधर से जो फोटो है उसको, जो स्कैन QR है उसको लेना है। इधर एक चीज़ का ध्यान देने वाली बात है, अगर आप फूड में या फिर ट्रैवल में कर रहे हैं तो मिनिमम 100 रुपीज़ का अमाउंट होना चाहिए। अगर आप 100 से कम वाला पेमेंट करते हैं तो इसमें कैशबैक नहीं मिलता है। तो मिनिमम 100 रुपीज़ या फिर उसके ऊपर जितना भी हो आपको 100 तो यहाँ पे होना ही चाहिए। तो मिनिमम 100 से ऊपर का आप पेमेंट करते हैं तो आपको इंस्टेंट 30 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है, और वो भी आपको 5 बार तक 100 100 उस तरह से आप पेमेंट करेंगे तो 30 30 करके 5 बार तक में 150 का कैशबैक मिल जाता है। सो इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपको भी मिल जाता है। मिनिमम 100 या जो भी अमाउंट आप यहाँ फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस तरह से फिल करना है, और उसके बाद में जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड करके रखा है उस पर क्लिक करके आपको इधर से पेमेंट कर देना है। तो ऐसा करेंगे तो आपका पेमेंट जैसा इधर से सक्सेसफुल हो जाता है तो वैसे ही आपको कैशबैक मिल जाता है। अगर आप UPI रुपये क्रेडिट कार्ड से कैशबैक लेना चाहता है तो उसमें भी आपको फर्स्ट 3 बार तक आपको मिनिमम 100 का पेमेंट करना होता है, तो उसमें 3 बार तक 100 100 100 करके कैशबैक मिल जाता है। जब आपका 3 बार का ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको मिनिमम 200 का पेमेंट करना होता है, तो उसमें एक बार में 30 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरह से 5 बार तक 30 30 करके मिल जाता है तो 150 उसमें हो जाता है। और जब आपका वो महीना पूरा हो जाता है और दूसरा महीना शुरू होता है सेकेंड मंथ में, फिर से आपको मिनिमम 200 का पेमेंट करना है, 200 या 200 के ऊपर का ही पेमेंट होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे उसमें भी 30 30 करके 5 बार तक में आपका 150 का कैशबैक मिल जाता है। सो इस तरह से पेमेंट करना है। और जो आपका फ्यूल वाला में है उसके लिए भी हमने आपको बता दिया। UPI रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई ऐसा फूड वाला या फिर फ्यूल वाला नहीं चाहिए किसी भी शॉप में। आप उधर से किसी में भी UPI क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ये भीम ऐप से पेमेंट करते हैं तो उसमें आपका कैशबैक मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए भी आपको सिर्फ फूड वाले में मिलेगा या फिर फ्यूल में ही कैशबैक मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको एनीवेयर कहीं भी आप भीम ऐप से UPI क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करते हैं तो आपको जो कैशबैक मिलने का रहता है वो आपको कैशबैक मिल जाता है। याद रहे कि आपको फूड में 150 का सेपरेट और ट्रैवल में 150 का सेपरेट नहीं मिलता है। आप या फूड में होटल में करिए तो उसमें 150 मिलेगा, या फिर आप ट्रैवल में करते हैं तो उसमें आपको 150 कैशबैक मिलता है। सो गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भीम ऐप से स्कैन करके जो भी पेमेंट करते हैं आप उसको इंस्टेंट अपना गूगल पे बिजनेस अकाउंट में, अपना बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यहाँ पे इसे आपको ओपन करने के बाद में यहाँ पे स्टोर सेटिंग पर जाना है और उसके बाद में एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेटलमेंट मेथड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो फिर आपको यहाँ पे इंस्टेंट सेटलमेंट पर क्लिक करके सेव कर देना। ऐसा करेंगे तो जब भी पेमेंट करेंगे इमीडिएट आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होता है। और कुछ भी आपको इसमें आगे चेंज करना रहेगा तो इधर से इस सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपना बैंक अकाउंट चेंज करना रहेगा तो इधर ही आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका पहले आपने ऐड किया था वो यहाँ पे शो होता है, या फिर दूसरा नया वाला ऐड करना चाहता है तो इधर ही आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। इधर से ऐड करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऐड होता है और आपको जिस बैंक में भी पेमेंट लेना है उसको आपको यहाँ से प्राइमरी सेलेक्ट कर देना है। तो जब भी इसमें पेमेंट करते हैं तो उसी बैंक में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। बस इतना ही है इसमें। आपको यहाँ पे जो वेरीफाई योर बिजनेस है इस पर क्लिक करके आपको वीडियो कॉल नहीं करना है।
सो जब हम यहाँ पे पहली बार हमारा बिजनेस अकाउंट यहाँ से एक्टिवेट कर रहे थे तो उसमें फास्ट फूड रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था, तो वही नाम यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। उसमें नेम फास्ट फूड रेस्टोरेंट का शो होता है, बट हम जैसा बिजनेस कैटेगरी चेंज कर देते हैं तो उसमें पेमेंट हो जाता है। ऊपर में यहाँ पे पेट्रोल पंप करके हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो इसमें पेमेंट किया तो पेट्रोल पंप वाला स्कैन QR में हो गया है। बट यहाँ पे नीचे में रजिस्टर बिजनेस नेम वही जो पहले फर्स्ट टाइम जो हमने यहाँ पे फिल किया था वही शो कर रहा है। तो कुछ भी चेंज करना रहेगा तो इसमें सेटिंग में आके चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका चेंज हो जाता है। तो आपने भीम ऐप से पेमेंट करने के बाद में आपको इसका हिस्ट्री चेक करना रहेगा, तो आपको यहाँ पे होम पेज में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने कितना का ट्रांजेक्शन किया, आपको कितना कैशबैक मिल गया, पूरा इस तरह से शो हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे इसमें पूरा शो कर रहा है, तो हमने किस में किया था, कितना कितना का कैशबैक मिल गया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे जो भी इसमें कैशबैक मिलता है वो जो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है उसी में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। सो गाइस यही था आज के लिए। अगर वीडियो देखने से थोड़ा भी आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्त के पास शेयर करिए, और ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।